जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई टीम का हुआ ऐलान, ये खतरनाक बल्लेबाज हुए भार, देखे संभावित प्लेइंग 11 टीम। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार भारतीय टीम में से कौन कौन से खिलाड़ी भार किए जाएंगे जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। तो पूरी डिटेल और जानकारी और पूरा एनालिसिस आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं। और वहीं दोस्तों हम आपको बताएंगे यहाँ पर हम क्रिकेट जगत से जुड़ी काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें भी आपको बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये होगी कि डेविड वार्नर से लेकर बेन स्टॉक्स तक, ये विदेशी खिलाड़ी आईपीएल 2020 में रहेंगे गायब, नहीं दिखेंगे आपके फेवरेट खिलाड़ी, उनकी पूरी डिटेल भी यहाँ पर जानने के लिए मिलेगी। तो वहीं जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये होगी कि कोहली से पूछा गया, क्या आप किसी एक फॉर्मेट से संन्यास लेने वाले हैं? तो इस पर विराट कोहली ने क्या बड़ा बयान दिया है, तो जानेंगे इसके बारे में भी। तो आप सभी अगर क्रिकेट के दीवाने हो तो आप सभी को ये न्यूज जरूर जाननी है तीनों की तीनों। और वहीं दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम में रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी की वापसी हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय क्रिकेट टीम इस समय विदेशी दौरे पर है, जहां पर वो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज और टी20 सीरीज खेल चुकी है। तो वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच हो रही सीरीज अभी तक पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है और उससे पहले ही भारतीय टीम की अगली सीरीज की घोषणा कर दी गई है। जी हाँ, आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि मार्च के महीने में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में 3 मैचों की वनडे सीरीज का ऐलान हो चुका है और अब ये सीरीज खेली जाने वाली है। तो ऐसे में अभी टेस्ट सीरीज के बाद भारतीय टीम भारत आएगी और आने के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में हिस्सा लेगी। तो अब वनडे सीरीज में टीम को लेकर विराट कोहली और चयनकर्ताओं के ऊपर काफी दारोमदार रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से भारत और न्यूजीलैंड के बीच में वनडे सीरीज खेली गई थी और न्यूजीलैंड की टीम ने भारत जैसी खतरनाक टीम को 3-0 से हराया था, वो काफी ही निराशजनक था। तो ऐसे में अब चयनकर्ता नहीं चाहेंगे कि वो टीम में किसी ऐसे खिलाड़ी को लेकर आए जो कि भारतीय टीम को कुछ भी योगदान नहीं दे। तो ऐसे में अब हम आपको बताएं कि भारतीय टीम में क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं उनके बारे में। दरअसल न्यूजीलैंड के खिलाफ खराब प्रदर्शन करने के कारण खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी केदार जाधव को वनडे टीम से बाहर किया जा सकता है। तो वहीं केदार जाधव न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे थे और ना ही उन्होंने कुछ ज्यादा जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया था भारतीय टीम की तरफ से। तो ऐसे में केदार जाधव को भारतीय टीम से बाहर किया जाएगा। तो वहीं बात आती है हार्दिक पांड्या की, कि आखिरकार हार्दिक पांड्या की वापसी होगी भारतीय टीम में या फिर नहीं। जी हाँ, ये पूरे आसार है कि हार्दिक पांड्या की भारतीय टीम में वापसी होगी। तो वहीं पांड्या अभी चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 और वनडे और टेस्ट सीरीज से बाहर हुए थे, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है और अब भारतीय टीम में वो वापसी की तैयारी भी कर रहे हैं और उन्होंने मैदान पर जमकर प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया है। तो ऐसे में अब बात आती है महेंद्र सिंह धोनी की। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि महेंद्र सिंह धोनी काफी समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं और अब उनके फैंस चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जल्द से जल्द भारतीय टीम में वापसी करें, लेकिन अभी ये खबर निकल कर आ रही है कि महेंद्र सिंह धोनी फिर से आप सभी को टीम में नहीं दिखेंगे। जी हाँ, क्योंकि अभी एशिया 11 और वर्ल्ड 11 के बीच में 18 मार्च को मुकाबला खेला जाने वाला है, जिसमें भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी दोनों शामिल होने वाले हैं। तो ऐसे में भारतीय टीम में आप सभी को महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए नहीं दिखेंगे और ये भी हो सकता है कि वो अपना आईपीएल के प्रैक्टिस सेशन पे ज्यादा ध्यान दें बजाय भारतीय टीम की तरफ से खेलने के। तो वहीं बात आती है रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा का भी काफी मुश्किल लग रहा है कि आप सभी को हो सकता है कि वो 2 वनडे मुकाबलों में तो खेलने के लिए दिखें, लेकिन वो तीसरे वनडे मुकाबले में शायद आपको दिखेंगे, क्योंकि वो 18 मार्च को एशिया 11 की टीम का हिस्सा हो सकते हैं। तो ऐसे में आइए चलिए अब हम आपको बताते हैं कि भारत की संभावित टीम क्या होगी जो कि आप सभी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए नजर आने वाली है। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पे खिलाड़ियों के नाम देख पा रहे होंगे, उसमें होंगे रोहित शर्मा, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, विराट कोहली, केएल राहुल, मनीष पांडे, सुरेश अय्यर, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी, स्प्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी। तो इसमें दोस्तों यही वो खिलाड़ी हैं जो कि आप सभी को भारतीय टीम का हिस्सा रहते हुए दिख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किसकी वापसी करवानी चाहिए थी? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही थी वो ये थी कि डेविड वार्नर से लेकर बेन स्टॉक्स तक, ये विदेशी खिलाड़ी आईपीएल 2020 में रहेंगे गायब। जी दोस्तों, इस बार जो आईपीएल मुकाबले खेले जाने वाले हैं तो उसमें आप सभी को 2020 आईपीएल में ये सभी खिलाड़ी बाहर रहते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो दोस्तों यहाँ पर पहला नाम निकल कर आता है वो है ट्रेंट बोल्ट का, जो कि शुरुआत के 2 मैच नहीं खेलेंगे। जो दूसरा नाम निकल कर आता है वो है केन विलियमसन, डेविड वार्नर और मिशेल मार्श का, क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में ये मुकाबले खेले जाएंगे, जिसकी वजह से ये आईपीएल का हिस्सा नहीं रह पाएंगे। तो वही जो अगले खिलाड़ी होंगे वो होंगे ब्लेन मैक्सवेल, जो अगले खिलाड़ी होंगे वो मिचेल सेंटनर हो सकते हैं। तो वही दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से मार्क्स स्टोइनिस आप सभी को खेलते हुए नहीं दिखेंगे और वही कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से आप सभी को पैट कमिंग्स खेलते हुए पहले मुकाबले
मुकाबले में नहीं दिख सकते हैं। और वहीं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की तरफ से ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच नहीं दिखेंगे, वही वो टूर्नामेंट के कारण बाहर होंगे, है ना। और वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आप सभी को जोफ्रा आर्चर खेलते हुए नहीं दिखेंगे और स्टीव स्मिथ पहले मैच के बाद वापसी करेंगे। तो वहीं जोस बटलर और बेन स्टॉक्स का भी पक्का नहीं है कि वो टीम में शामिल होंगे या फिर नहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, लेकिन पहले या दो मुकाबले ना खेलने के बाद वो अगले सारे ही मुकाबलों में शामिल होंगे। तो ऐसे में आप क्या मानते हो कि किस खिलाड़ी को खेलना चाहिए था, आप हमें नीचे कमेंट में बताइएगा। लेकिन ये सभी खिलाड़ी थोड़े थोड़े समय के लिए नहीं रहेंगे, बाकी ये आते रहेंगे टीम में, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बताते हैं तीसरी बड़ी खबर के बारे में। जो तीसरी बड़ी खबर थी वो ये थी कि विराट कोहली से पूछा गया, क्या आप किसी एक फॉर्मेट से संन्यास लेने वाले हैं? तो जवाब सुनकर सब रह गए हैरान। जी दोस्तों, विराट कोहली ने इसके ऊपर अपने वर्कलोड को लेते हुए कहा कि वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं समय समय पर ब्रेक लेता रहता हूँ जो मेरे लिए काम कर जाता है, तो ऐसे में मैं अगले 2 से 3 साल तक किसी भी फॉर्मेट से संन्यास नहीं लूंगा। तो यहाँ पर विराट कोहली ने साफ साफ कर दिया है कि वो अगले 2 से 3 साल तक किसी भी फॉर्मेट से संन्यास नहीं लेने वाले। तो आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली को 2 से 3 ही साल नहीं, कम से कम 5 से 6 साल और खेलना चाहिए? आप अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बताए कि वनडे क्रिकेट में 10,000 रन का आंकड़ा छूना बड़े कीर्तिमान से कम नहीं है, तो वहीं अब तक वनडे क्रिकेट में सिर्फ 14 बल्लेबाज ही ऐसे हैं जो कि 10,000 रन का आंकड़ा पार कर पाए हैं। लेकिन इन 14 खिलाड़ियों में से 5 भारतीय खिलाड़ी हैं और इसके अलावा 3 ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने बतौर ओपनर 10,000 रन से ज्यादा का स्कोर वनडे क्रिकेट में बनाया है। तो आइए चलिए एक एक करके हम आपको सभी के नाम बताते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला नाम है वो तो आप सभी को पता ही किसका होगा, जी हाँ, क्रिकेट के भगवान कहलाए जाने वाले सचिन तेंदुलकर का। दरअसल सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में 463 मैच खेले हैं जिसमें से उन्होंने 18,426 रन बनाए और इसके अलावा सचिन तेंदुलकर ने 344 वनडे मैचों में ओपनिंग की है। तो वहीं ओपनिंग करते हुए सचिन तेंदुलकर ने 48.29 की औसत के साथ 45 शतक और 75 अर्धशतक बनाए थे। तो ऐसे में यहाँ पर पहला नाम सचिन तेंदुलकर का था। तो वहीं बात करें दूसरे नाम की, जो दूसरा बड़ा नाम है वो है सनत जयसूर्य का। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर सनत में 445 मैच खेलते हुए 13,430 रन बनाए और इसमें उन्होंने 888 मैच बतौर ओपनर खेलते हुए 34.61 की औसत के साथ 12,740 रन बनाए थे। जी हाँ दोस्तों, वेस्टइंडीज के खतरनाक ओपनर बल्लेबाज क्रिस गेल ने 1999 से लेकर 2019 तक 300 वनडे मैच खेले और अपनी इन पारियों के दौरान उन्होंने 10,480 रन बनाए और वहीं इसमें गेल ने 280 मैच बतौर ओपनर खेले और उसमें उन्होंने 10,179 रन बनाए थे। तो ऐसे में दोस्तों यही थे वो 3 खिलाड़ी जिन्होंने आज तक 10,000 रनों का आंकड़ा पार करा। तो अब बात करते हैं रोहित शर्मा की, आखिरकार रोहित शर्मा कितने पीछे हैं भी इन सब खिलाड़ियों से। तो जैसे कि आप सभी आंकड़ों में देख पा रहे होंगे कि रोहित शर्मा 2011 से लेकर अब तक 2020 में भारत के लिए ओपनिंग करते हुए 140 मैच खेल चुके हैं और उनकी 138 पारियों में उन्होंने 58.11 की जबरदस्त औसत के साथ 27 शतक और 31 अर्धशतक की मदद से 7,148 रन बनाए हैं। मतलब अभी वो नेट 3,000 के लगभग रन पीछे हैं 10,000 रन बतौर ओपनर बनाने से। बाकी आप यहाँ पे देख भी सकते हैं पूरे आंकड़े। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा 10,000 रनों का आंकड़ा कब तक पार कर पाएंगे, इसी साल कर देंगे या फिर अगली साल? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय टीम अभी न्यूजीलैंड के दौरे पर है, लेकिन मार्च का महीना शायद हम जैसे क्रिकेट फैंस के लिए काफी अच्छा होने वाला है। दरअसल मार्च के ही महीने में जैसे कि आपको पता है कि आईपीएल की स्टार्टिंग होने वाली है और उससे पहले भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी और इसी मार्च के महीने में एशिया 11 और वर्ल्ड 11 के बीच का मुकाबला भी खेला जाने वाला है जो कि सोने पे सुहागा इस मार्च के महीने को बना देता है। तो इसमें दोस्तों अब हम आपको बताएं कि 18 मार्च को शाम को 6 बजे से आप सभी एशिया 11 और वर्ल्ड 11 के बीच में 2 मैचों की सीरीज का पहला मैच ढाका के शेरे बंगला स्टेडियम से लाइव अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकेंगे। और ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार एशिया 11 और वर्ल्ड 11 की संभावित प्लेइंग 11 टीम क्या होगी उसी के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार भारतीय टीम के कौन कौन से खिलाड़ी एशिया 11 की टीम की तरफ से हम सभी को खेलते हुए दिखने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली का एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। दरअसल सौरभ गांगुली ने बताया है कि एशिया 11 में भारतीय टीम की तरफ से 5 खिलाड़ी टीम में हिस्सा लेंगे और ऐसे में ये जो 5 भारतीय खिलाड़ी होंगे उसमें जो शामिल होंगे वो होंगे रोहित शर्मा, एमएस धोनी, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और सुरेश रैना। मतलब ये 5 खिलाड़ी आप सभी को एशिया 11 की तरफ से खेलते हुए वहां पर दिख सकते हैं। तो वहीं बात करें कि विराट कोहली और अन्य बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल क्यों नहीं हुए इसमें, तो दोस्तों ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि भारत में रहकर विराट कोहली और अन्य भारतीय खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के अंतिम मैच में हिस्सा लेंगे, तो जिसके चलते भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली इस टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है उसके बारे में। तो दोस्तों खबर ये है कि पाकिस्तान की टीम का एक भी खिलाड़ी, जरूर लाइक करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप
व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।